हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक्सूट के बारे में बात करने वाले, जो कि गेम के अंदर 7th ऑफ अप्रैल को आने वाला है। ये जो एक्सूट होने वाला है, जिसका नाम है स्टीजियन लीज एक्सूट, ये आपको एक न्यू कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, न्यू ऑप्शन के साथ। वो क्या ऑप्शन है वो मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला। थोड़ा बहुत लीक्स हम लोग के पास आ चुका है, कैसे इसका कंप्लीट लुक होगा, फाइनल फॉर्म कैसा रहेगा, वेटिंग लॉबी में जब आप आओगे फ्रेंड के साथ आप कैसे मार्क्स शेयर करोगे, वो सब चीज़ देखने वाले। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत बीजेमा की बात कर लेंगे कि भाई बहुत दिन हो गए बीजेमा में कुछ भी नहीं डाला हूँ, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ कुछ भी नहीं आया, बट एक चीज़ ऑफिशियल है वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और फाइनली बोल सकते हो मंथ खत्म होने वाला है। खैर चलो स्टार्ट करते हैं एक्सूट से। गाइस, अगर इससे पहले जो एक्सूट था वो उसका नाम है आर्कन जेस्टर एक्सूट था। वो एक्सूट का भी नया कैटेगरी वाइज दो चीज़ देखने को मिला। एक ही एक्सूट का दो कलर आपको देखने को मिला, एक था व्हाइट दूसरा था ब्लैक। तो जो जो बंदे को ब्लैक पसंद है वो ब्लैक ले लिए, व्हाइट पसंद है व्हाइट ले ले, और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करके दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो में, बट वापस से अभी दो कैटेगरी तो रहेगा बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग किया, जो कि थोड़ा सा और लोगों को पसंद आने वाला है। कैसे, चलो इससे पहले मैं आपको दिखाऊं वो कॉन्सेप्ट। पहले तो आप ये देख लो कि ये ट्रेलर कैसा है, छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाई दे रहा फिलहाल के लिए। और ये रहा बोल सकते स्टीजियन एक्सूट का कंप्लीट लुक, फीमेल में आपको दिखाई दे रहा, फीमेल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर आप देख पर किल इफेक्ट, उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो लॉबी का एनिमेशन, और इधर आप देख पा जैसे आप किल करोगे तो आपको एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट दिखाई देगा, और लॉबी के अंदर जो इमोट्स होता है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और लिटरली आप जब गेम के अंदर जाओगे तो ये फ्लेक्सिंग भी आप कर सकते हो। और ये रहा कंप्लीट लुक ये एक्सूट का, ठीक है। तो चलिए क्या कहते सब समझते हैं। जब आप अपने फ्रेंड को बुलाओगे जिसके पास मैक्स एक्सूट है, तो उसका कुछ ऐसा एनिमेशन रहेगा जो कि मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे बेस्ट एनिमेशन है, जो कि नेक्स्ट लेवल लग रहा है। जैसे कि आप देख पर कैरेक्टर के कुछ भी लुक नहीं दिख रहा, पूरा बोल सकते लावा लावा पेटल्स जो गिरते हुए दिख रहा। और इसके साथ आप देख पर अभी जो एक्सूट है ना वो फाइनल फॉर्म में आ चुका है, तो ये काफ़ी बड़ा बोल सकते हो वेलकम एनिमेशन है। जब भी आप किसी कैरेक्टर को बुलाओगे उसके साथ साथ इक्विप वाला आप देख पा रहे हो, अपने फ्रेंड का आप इक्विप करा सकते हो, वो चीज़ आप सबको पता ही है। तो ये आपको दिखाई दे रहा, इवन आप देख पा रहे वेटिंग लॉबी में इंट्रोड्यूस ऐसे होगा। ये कॉफिन के अंदर आपको दिखाई दे रहा, फेरो का भी कॉफिन है बट ये वाला थोड़ा सा अलग किस्म का है, जिसमें आप देख पा रहे ब्लड है ना, ये लावा है जो भी है, और उसमें आपको दिखाई दे रहा। और उसके बाद आप देख पा रहे कैरेक्टर हम लोग गेम के अंदर आ चुका है। एलिमेशन ब्रॉडकास्ट आप वापस से देख पा रहे, ये काफ़ी ठीक ठाक सा एलिमेशन ब्रॉडकास्ट लग रहा है, और किसी को भी मारोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीकेंडी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिल्वर कलर के ये एक्सूट होने वाला, गोल्डन भी मिल गया सिल्वर भी मिल गया। और इधर आप देख पा रहे 7th अप्रैल को ये एक्सूट आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बताता इस ये जो एक्सूट है बाकी एक्सूट से थोड़ा सा अलग क्यों है। इधर आप देख पा रहे ये एक्सूट का दो फॉर्म है, इस बार कलर वाला फॉर्म नहीं है, इस बार मेल फीमेल वाला फॉर्म है। जिसको मेल कैरेक्टर पसंद है तो वो मेल वाला एक्सूट ले सकते हैं, जिसको फीमेल कैरेक्टर पसंद है गेम के अंदर वो फीमेल वाला एक्सूट भी ले सकते हैं। और मुझे लगता है ये एक्सूट ज़्यादा फीमेल ने अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेल भी ठीक ठाक सा है, ये आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं मेल वाला है, और उसके बाद फीमेल में जाओगे ना तो फीमेल वाला कुछ इस तरह का है। तो ये एक्सूट का दो फॉर्म आपको दिखाई देगा, एक किंग एंड क्वीन फॉर्म आपको दिखाई देगा। और आपको पता है एक फॉर्म तो आप तुरंत सेलेक्ट कर पाओगे, जैसे आप एक्सूट बोल सकते हो निकाल लोगे, और उसका थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके आप दोनों फॉर्म को भी रख सकते हो। पिछले बार भी मैं आपको दिखाया था कि अगर आपको दोनों फॉर्म रखना है तो दोनों फॉर्म को भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे एक्सूट जो कि 7th अप्रैल को आने वाला, इसका दो फॉर्म होगा, एक फीमेल फॉर्म एक मेल फॉर्म। और इसका जो स्पिन कॉन्सेप्ट होगा जब ये बोल सकते हो इवेंट आ जाएगा तो हम लोग एक बार लाइव देखेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सूट की बात करते हैं ना एक और चीज़ हम लोग के दिमाग में आता है, कौन सा बताओ, 1500 सिल्वर का। जी हाँ, 1500 सिल्वर जो हम लोग का फ्री में ओपनिंग होता है वो कभी कभी इतना अच्छा हो जाता है कि भाई जो यूसी से भी खोलने की कोशिश करता ना उसको भी उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम लोग आते बीजेमा के अंदर, बीजेमा के अंदर तो कुछ खास आया नहीं है, जैसे कि आप सबको पता नहीं तो मैं वीडियो बना ही देता, और ऑफिशियल का ही वेट कर रहा हूँ मैं। फाइनली एक और मंथ खत्म हो चुका है बीजेमा सस्पेंड हुए हुए, 31 मार्च हो चुका है, अभी तक सुबह तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर शाम तक कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो अलग बात है, बट आज भी मुझे नहीं लगता कुछ खास आने वाला है। कल स्टार्ट होने वाला वो मंथ जिसके लिए ज़्यादातर लोग हाइप बनाए हुए थे पहले, तो कल तो कुछ खास मुझे नहीं लग रहा होगा, अगर होगा भी तो फेक ना हो जाए। आप सबको पता है कल कौन सा दिन है, 11 तारीख को डेट है, 11 तारीख को भी मेरे को कम ही चांस लग रहा है, फिर बोलते हैं अप्रैल मिड में तो वो भी देख लेंगे। मतलब ये जो पूरा मंथ होने वाला ना, या तो पूरा हम लोग कट जाएगा, पूरा ऐसे ही पार हो जाएगा, अब आएगा करके, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। डेट तो हम लोग को ही पता नहीं है, बट होप कर सकते हैं कि अप्रैल में कुछ चीज़
थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट या थोड़ा सा हम लोग को और इन्फॉर्मेशन, अगर गेम लॉन्च भी नहीं होता ना, थोड़ा सा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चल जाए, जिसका भी आप में हम लोग आगे का सोचेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिसके लिए एग्जैक्टली मैं वीडियो बनाया, तो बीच में अगर फाइनली बोल सकता हूँ, अगर इसमें इवेंट और सब कुछ हटाया नहीं जाता, आपको पता है गेम के अंदर इवेंट तो चल ही रहा था सस्पेंड होने के बाद, बट आपको पता है एक बेहतरीन इवेंट होली का टाइम दिया था, वो इवेंट जैसे ही आया था उसके कुछ घंटे बाद उसे हटा दिया गया था, तो आपको पता है वो इवेंट में हम लोग गोल्डन पैन मिल रहा था, तो एक्चुअल में अगर वो इवेंट अभी होता ना, हटाया नहीं जाता ना, तो आज वो इवेंट खत्म होता या कल सुबह 5:30 बजे वो इवेंट खत्म होता, क्योंकि आप देख पा रहे इसका एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, पैन। जी हाँ, ये पैन आप देख पा रहे, ये पैन ही हम लोग को मिल रहा था, इसको इवेंट को हटा दिया गया या हाइड कर दिया गया, बट ये पैन जिसको जिसको मिला था ना उसका इन्वेंटरी में ये चीज़ दिख रहा है, और आप देख पा रहे 20 घंटा में खत्म होने वाला है, तो अगर वो इवेंट रहता तो आज उसका आखिरी दिन होता, कल सुबह गारंटी था कि एक नया इवेंट दिखने को मिल जाता अगर पहले कॉन्सेप्ट चलता, बट अभी डाउट है कि कल आएगा भी कि नहीं इवेंट, बट एक चीज़ है कि ये जो इवेंट है ये खत्म होने वाला है, अगर कोई इवेंट शेड्यूल करके रखा छोटा मोटा इवेंट तो कल आपको सुबह 5:30 बजे इवेंट उवेंट देखने को मिल सकता है, बट अगर सब इवेंट को ये लोग छुपा दिए है और कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा तो कल भी इवेंट नहीं आएगा, बट एक चीज़ है कि ये जो इवेंट है कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ कल ही सुबह पता चलेगा कि इवेंट आएगा या ऐसे ब्लैंक रहेगा, मुझे लगता है कि ब्लैंक ही रहने वाला इवेंट और उस लोग डालेंगे नहीं, क्योंकि अभी कुछ भी चीज़ गेम के अंदर ऐसे ऐड हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देगा, तो वो चीज़ अगर क्राफ्टन अभी नहीं चाहता हाइप बनाना तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो ये वीडियो को हम लोग इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।